फतेहाबाद में चाकुओं से गोदकर कारोबारी की हत्या करने के मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फतेहाबाद में दो दिन पहले रामनिवास मोहल्ला में कारोबारी योगेश की चाकुओं से गोदकर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी गुलशन उर्फ कन्नू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने हिसार से की है। पुलिस आरोपी को आज कोर्ट में पेश कर दो दिन का रिमांड लिया है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि कारोबारी योगेश की चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। रामनिवास मोहल्ला निवासी योगेश के भाई नवीन की शिकायत पर पुलिस ने यह मामला दर्ज किया था। नवीन ने शिकायत में बताया था कि विनोद उर्फ विनोदी उसके पुत्र अरुण उर्फ काकू गुलशन उर्फ कन्नू तथा उसकी पत्नी रामनिवास मोहल्ला के साथ झगड़ा करके योगेश की हत्या कर दी। डीएसपी ने बताया कि हत्या में मुख्य आरोपी गुलशन उर्फ कन्नू की गिरफ्तारी के साथ साथ सह आरोपियों विनोद उर्फ विनोदी अरुण उर्फ काकू गुलशन उर्फ कन्नू तथा धन्नत को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में क्या खुलासा किया गया है, क्या आपके देखिए 23/5/2022 की बात है। योगेश गोस्वामी पुत्र अर्जुन देव रामनिवास मोहल्ला फतेहाबाद की जो है हत्या हुई थी और उस पर जो है ना इसके भाई नवीन के बयान पर मुकदमा नंबर 284/24/5/2022 अंडर सेक्शन 302 IPC दर्ज किया गया था। और ये जो है अरुण उर्फ काकू विनोद उर्फ विनोदी धन्नत वाइफ और मनोहर लाल और गुलशन उर्फ कन्नू के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिस पर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए दिनांक 24/5/2022 को ही अरुण व विनोद दोनों को गिरफ्तार कर लिया था और दिनांक 25 को सुबह धन्नत वाइफ और मनोहर लाल को गिरफ्तार किया गया था और दिनांक 25 को इन तीनों को पेश अदालत करके जुडिशल भेज दिया गया था। और इसके अंदर जो चौथा जो आरोपी था गुलशन उर्फ कक्कू उसको कल इस हादसे से गिरफ्तार किया गया और आज उसको अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड लिया जाएगा और पुलिस रिमांड अवधि के दौरान उनसे घटना में प्रयोग चाकू बरामद किया जाएगा। इस हार जो है कैमरी रोड पर रेलवे पुल के नीचे वहाँ से गिरफ्तार। मुख्य आरोपी कौन है इसमें? इसके अंदर मुख्य आरोपी गुलशन उर्फ कक्कू। हत्या की वजह क्या है सर? हत्या की वजह यह है कि जो है इसका जो मृतक है योगेश गोस्वामी उसका लड़का सिद्धार्थ है, ये कक्कू से मोटरसाइकिल मांगता था और वो जो है ना उसी बात को लेके वो मोटरसाइकिल मना कर देता था और एक दो बार इससे लिफ्ट भी मांगी गई है तो इसने लिफ्ट देने से मना कर दिया। उसी बात को लेके उस दिन जो है इसके पीठ पे ईंट मारी गई और उसके बाद में जब ये उसके घर उलाना देने के लिए गए तो वहाँ जो है ना चाकू से वार करके एक जानकारी ये सामने आ रही है जी कि हत्या के बाद एक बार वो 11 बजे हॉस्पिटल भी गया था हमला करने द्वारा। नहीं, हमारे नोटिस में ये बात नहीं है और जो है ये सूचना मिलते ही पुलिस वहाँ हॉस्पिटल में चली गई थी। गुलशन पर पहले भी कोई मामले कर दिए? हाँ, गुलशन पर मामले दर्ज है, पहले 2 NDPS के मामले दर्ज है और एक लड़ाई झगड़ा का मामला। सर, नशे को लेकर जो कारोबार करता है सर, इसको लेकर कोई अपनी बात सामने आई है? घर में बेचता था या कैसे सर? नहीं, ये जो है पहले नशा तो बेचता था और इसके ऊपर 2 NDPS एक्ट के तहत अभियोग अंकित है, जिसमें एक मामले में अंदर जमानत पर है और एक के अंदर बरी हो गया और एक लड़ाई झगड़ा का भी जुर्मा इसके ऊपर दर्ज। किस हथियार का इस्तेमाल किया गया सर? इसने जो है चाकू का। तो ये कहाँ चुका है चाकू? चाकू जो है अभी ये तफ्तीश का विषय है, आज इसको अदालत में पेश करके। नहीं, डायल 112 ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं ये और 6 मिनट के अंदर डायल 112 वहाँ मौके पर पहुँच गई थी, हमारे सब रिकॉर्ड होता है। इस मामले में और भी कोई अन्य आरोपी शामिल? अभी तक तफ्तीश में ये 4 ही लोगों की स्लिप पाई गई है और अभी तफ्तीश जारी है, आगे जो भी एविडेंस आएगी वो एक आधार पर कार्रवाई। सर, आरोपी को क्या रिमांड पर लिया जाएगा? हाँ, आज जो है ना इस आरोपी को जो है गुलशन और कक्कू को जो है रिमांड पर लिया। गुलशन के खिलाफ दिल्ली में भी कोई मामले दर्ज हैं? दिल्ली में मामले दर्ज नहीं है, यहीं पे 3 मुकदमे दर्ज हैं। सजा याफ्ता बताया जा रहा है दिल्ली में लड़की के हत्या के केस में? अभी जो है ना हमारे थाने के अंदर जो है दिल्ली से भी इसका पता करेंगे और हमारे थाने के अंदर जो है ना कोई ऐसा पर्चा गिरफ्तारी या पर्चा सजा याफ्ता भी प्राप्त हुआ नहीं है, फिर भी हम जो है ना
ऐसे गहन पूछताछ के दौरान पता करेंगे और कौन से थाने के अंदर अभियोग अंकित है वहाँ से भी इसका पता किया जाएगा। कोर्ट से कितने दिन का रिमांड मांगा जाएगा? कोर्ट से ये जो है 2 दिन का रिमांड मांगा। इसमें और क्या बरामद करना है? इससे घटना में प्रयोग जो आला जरब बरामद करना है और घटना स्थल की निशानदेही करनी है और इससे गहन पूछताछ की जानी है। तो मुख्य आरोपी गुलशन ही है? हाँ, मुख्य आरोपी गुलशन ही है। इसके अंदर चक्कू नशा करता था जी आरोपी? हाँ, नशा तो जो है अभी ये रिमांड अवधि के दौरान जो है पूरी पूछताछ की जाएगी। इससे NDPS के कब का मामला दर्ज हुआ? इसके ये सन तो ध्यान नहीं है मेरे को, लेकिन अब तक इसके ऊपर 2 NDPS के। ठीक है।